भगवान तुम्हारा भला करे, रात दिया तो चला दो, रात कितनी बाकी है, भोर होने ही वाली है। तुम? मैं कल ही यहाँ आया हूँ, तुम्हारे साथ वाली कोठरी। मुझे तो कल रात से बहुत जोरों का बुखार आ रहा। ओहो, चिंता ना करो भैया, अच्छे हो जाओ। भाई तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या? वो मेरी इच्छा है ना, रिक्शा, हाथ गाड़ी, हाँ, जहाँ बैल बंधे ना वहां पर रखी है, हाँ, उसे रिक्शा मालिक यहाँ पहुंचा दोगे। अगर भोर होने से पहले न पहुंचाती गई तो वो मुझसे एक दिन का किराया और ले लेगा। पर मुझे तो यहाँ के रास्ते मालूम नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी सड़क पर जाके किसी से भी पूछ लेना कि नंदी बाबू की रिक्शे की खटाल कौन सी है। नंदी बाबू की खटाल? हाँ। अच्छा भैया, पहुंचा दूंगा। लेकिन देखो, तुम्हारे पास रिक्शा का लाइसेंस नहीं है, पुलिस से जरा बच कर जाना। हाँ। अच्छा। रिक्शा वाले रोक के। नहीं बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ला। नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल, मुझे स्टेशन जा रहा है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। इधर ला, रख, पीछे रख, रख। बस बस रोके। अबे नीचे रहो, उतरूंगा कैसा? नया नया मालूम होता है। दुआने हैं? दुआने? नहीं। अच्छा ले। आठ आने? ये लो आठ आने पैसे। पैसे? कैसे पैसे? रिक्शा छोड़ने जा रहा था, एक बाबू ने पुलिस का डर बताया और रिक्शा में जबरदस्ती बैठ गया, ये आठ आने उसी ने दिए। हे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ कि ये पैसे मिल गए। कल बुखार की वजह से कुछ भी नहीं कमा सका। तुम तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना, बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया, जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा। तो मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर ढाई महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। तो मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं। खैर, मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा, सब कुछ सिखला दूंगा। ओहो।